श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र को ध्यान से पढ़ लीजिए। देश के कोने कोने में इस मंत्र को पढ़ा जा रहा है। अभी हम मौजूद है पंडित प्रदीप जी मिश्रा के आश्रम में, और जिस जगह पर हम खड़े हैं वो व्यासपीठ की गद्दी है। शुरुआत में पंडित जी वहीं से शिव पुराण का वाचन किया करते थे। हम इसके बारे में और जानकारी आपको देंगे। बहरहाल हम अंदर चलते हैं और उनकी दिव्य गद्दी के दर्शन आपको करवाते हैं, ताकि लाखों भक्त उस गद्दी के दर्शन कर पाएँ जिस पर पंडित जी बैठा करते हैं। अभी भी बैठते हैं, कई बार हमने उनकी टीम से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि अभी भी पंडित जी कई बार उसी गद्दी से प्रवचन करते हैं। और जब YouTube पर ब्रॉडकास्ट होते हैं, जब ऑनलाइन उनके प्रवचन ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं, तो यही वो गद्दी है जहाँ से YouTube पर या आस्था चैनल के माध्यम से लाखों भक्तों तक उनके प्रवचन पहुँचाए जाते हैं। चलिए अब अंदर चलते हैं। कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद है, कई सारे लोग यहाँ पर सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। रात का समय है, इसलिए दूर दूर से भक्त आते हैं और उनके आश्रम में रुकते हैं। सबसे पहले हम व्यासपीठ की इस गद्दी के दर्शन करवा देते हैं, जहाँ पर पंडित प्रदीप जी मिश्रा बैठते हैं। और दर्शन करने के साथ ही तमाम सारी जानकारियाँ हम देंगे। कमल, एक बार नज़दीक आकर इस दिव्य गद्दी के दर्शन करवा दीजिए। पुष्प इस गद्दी पर रखे हुए हैं, आप देखिएगा। आसपास से भजनों की आवाज़ भी थोड़ी थोड़ी आ रही होगी। ये देखिए, पंडित प्रदीप जी मिश्रा स्वयं इस गद्दी पर बैठते हैं और स्वयं हम भी उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं। और तमाम सारी चीज़ें हैं, तो ये जो गद्दी है, ये इसके बारे में हमने उनकी टीम से पूछने की कोशिश की, उनसे जानने की कोशिश की, तो उन्होंने बताया बाकायदा कि जब लॉकडाउन में उनके प्रवचन वो करते थे, जब ऑनलाइन के माध्यम से जन जन तक उनके प्रवचन पहुँचते थे, तो इसी गद्दी पे बैठ करके वो शिव पुराण का वाचन किया करते थे। यानी शिव पुराण किया करते थे इसी गद्दी के माध्यम से। और ये जो गद्दी है उनकी, ये सीहोर के आश्रम में मौजूद है। और ये हॉल है, एक बार कमल ये पूरा हॉल दिखा दीजिए। कम से कम 100-200 लोग आराम से इसमें बैठा करते थे और ऑनलाइन प्रवचन उनके चलते थे। ऑनलाइन प्रवचन इसी हॉल से पंडित प्रदीप जी मिश्रा किया करते थे। और शुरुआत में ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में भैया बड़े खुश दिख रहे हैं कैमरे के सामने। तो देखिएगा, ये जो हॉल के दर्शन आपने किए, अब ये जो व्यासपीठ की जो गद्दी है, इस दिव्य गद्दी के दर्शन भी कर लीजिए, क्योंकि इसी गद्दी से पंडित प्रदीप जी मिश्रा शुरुआत में अपने प्रवचन किया करते थे। और अभी भी आते हैं तो अभी भी करते हैं। हो सकता है उनकी टीम से हमने बात की, तो हो सकता है आने वाले समय में उनके प्रवचन ऑनलाइन किए जाएं और इसी गद्दी से वो प्रवचन को लाखों लोगों तक पहुँचाए। हम भक्तों से भी बातचीत करेंगे और तमाम सारी जो चीज़ें हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी खुशी। अभी आप लोग भजन गा रहे थे, अभी बंद क्यों कर दिया आपने? आप लोग अच्छा गा रहे थे, आप लोग गा क्यों नहीं रहे हो भजन? हम इन्हीं के बीच में बैठ जाते हैं। अच्छा, आपका नाम बताइए, क्या नाम है? हम रीना सिंह, अहमदाबाद से आए। अच्छा जी, हाँ। तो आप रात भर यहीं पे रुकेंगे? हम आज रात को यहीं रुकेंगे। अच्छा, हाँ। देखिए, ये माहौल होता है यहाँ का, और जिस तरह से उनके आश्रम में भक्ति के बयार जो है, अब कुछ कहने को नहीं रह जा सकता, क्योंकि इस तरह की खुशियाँ केवल पंडित प्रदीप जी मिश्रा के आश्रम में ही देखने को मिल सकती है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा का आश्रम का ये माहौल है, और इस माहौल के बीच में हम लोग बैठे हैं, और देखिए चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ है। इन खुशियों को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है, ये केवल पंडित प्रदीप जी मिश्रा के आश्रम में ही आपको देखने को मिल सकती है। तो तमाम सारी चीज़ें हैं, घर घर में प्रवचन चलते हैं, घर घर में उनको सुना जाता है, और नाच गाना झूम उनकी गैर मौजूदगी में भी यहाँ पर चल रहा है। मेरी आवाज़ आपको शायद कम आ रही होगी, उसकी वजह यही है कि तमाम सारी महिलाएं यहाँ से दूर दूर से आई हैं, और उनके आश्रम में एक अलग ही माहौल उनके आश्रम में है। और ये पंडित प्रदीप जी मिश्रा का आश्रम है। और कमल, एक बार शायद कैमरामैन को हमारी आवाज़, कमल एक बार वो गद्दी के दर्शन करवा दीजिए। ये देखिए, ये दिव्य गद्दी है, और उनकी गद्दी के सामने बैठ करके महिलाएं भजन करती हैं,
और भगवान भोलेनाथ के भजन वो लोग गा रही हैं। तो ये तमाम सारी चीजें बिल्कुल 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 इसमें अच्छी आवाज आती है। ये तमाम सारी चीजें हैं और कमाल का ये भजन गा रही है महिलाएं। यकीन मानिएगा कि ये जो माहौल है ये केवल पंडित प्रदीप जी मिश्रा के आश्रम में ही देखने को आपको मिल सकता है। ये जो उनकी व्यासपीठ की गद्दी है, इसी गद्दी से वो जब लॉकडाउन लगा था तब प्रवचन किया करते थे और उनकी गद्दी के सामने बैठकर उनकी गैर मौजूदगी में कई सारी महिलाएं आती हैं और भजन करती हैं। दूर दूर से भक्त लोग आते हैं और भजन करते हैं। एक बार इस मनोरम दृश्य को एक बार और दिखा दीजिए कमल कैमरे में, कह दिए खूबसूरत दृश्य जिनका शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता। और यह दृश्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के आश्रम का है। उनकी व्यासपीठ की गद्दी के सामने बैठकर महिलाएं इस तरह से भजन करती है। यकीन मानिएगा कि बहुत ही अद्भुत दृश्य है, बहुत ही अकल्पनीय दृश्य है। तमाम सारी चीज़ें हैं। कमल एक बार पूरा दिखा दो अच्छे से। ये रुकने की व्यवस्था है पंडित प्रदीप जी मिश्रा के आश्रम में। और जिस हॉल को दृश्य आप देख रहे हैं, जिस हॉल के दृश्य आप देख रहे हैं, वो दृश्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के आश्रम की व्यासपीठ की गद्दी जहाँ पर लगी हुई है उसका हॉल ये है और उसके दृश्य हैं। बहरहाल ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगी होगी, हम बड़ी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। तो इस दिव्य गद्दी के दर्शन आप जन जन तक पहुँचाइएगा। पंडित प्रदीप जी मिश्रा की इस दिव्य गद्दी के दर्शन, जहाँ से वो बैठकर पहले प्रवचन किया करते थे, उस गद्दी के दर्शन आपने आपको करवाया है। तो आप जन जन तक पहुँचाइएगा और जनता को दिखाइएगा कि ये वही गद्दी है जहाँ पर पंडित प्रदीप जी मिश्रा शुरुआत से प्रवचन करते थे और शुरुआत ही उन्होंने इसी गद्दी से की थी। तो तमाम सारी चीज़ें हैं, आप जन जन तक जरूर इस वीडियो को पहुँचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।